सिटी करनाल में एक व्यक्ति को नशीला पदार्थ खिलाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि घटना शनि मंदिर के पास सेक्टर 4 की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने शनि मंदिर के समीप एक व्यक्ति को झाड़ियों के समीप संदिग्ध हालत में देखा और इसकी जानकारी पुलिस को दी। लोगों ने बताया कि वह PNB बैंक में पैसे जमा कराने के लिए आया था, तो वह यहां बैठकर पैसे जमा कराने की स्लिप भर रहा था। तभी 3 युवक आए, उससे नशीला पदार्थ खिलाकर उससे पैसे छीनकर फरार हो गए। यह झाड़ियों में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित व्यक्ति से पूछताछ की, जिसमें वह कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं था। पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए समाचार एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। गाड़ी लोड करने के लिए आया अभी उधर से, जैसे मैंने अपनी गाड़ी इधर घुमाई तो ये मेरे को अचानक ये झाड़ियों में ये जो था ये झाड़ियों में मेरे को मिला। मैं वहाँ अपनी गाड़ी करके इनको बुला के लेके आया। मगर देखिए यार ये इंसान पड़ा हुआ है, मगर ये मरे हुआ है जिंदा है मेरे को पता नहीं। मैं 4-5 को लेके आया, इन्होंने देखा, फिर हमने इसे निकाल लिया। ये बोले इसमें सांस है अभी, अगर जो बरसात आ जाती कभी किसी कारण तो ये मतलब मर भी सकता था। ये तो ये हम सारे इन बार निकाल लिया, यहाँ लेके आया। पुलिस को मौके पर बुलाया गया। हाँ जी हाँ जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम वेदपाल है। तो ये आप देख सकते हैं जैसा कि लोगों ने बताया, मैं ड्राइवर हूँ जी, यहाँ पे गाड़ी लोड करने के लिए आया। किस टाइम की वारदात है ये? जी कम से कम 1 घंटा पहले की बात है, 1 घंटा तो हो गया। ये कौन सी कंपनी में आते हो आप? IAB कंपनी में। सामने जनरल की बिल्डिंग है, यहाँ पे एक ड्राइवर आया, उसने हमें बताया कि यहाँ पे बंदा पड़ा है बेहोश हालत में, तो कुछ लोग गए गाड़ियों से इसको निकाला। तो ये अपने कुछ भी बताने के लिए बोल रहा है, नशे की हालत में है। तो हमने इसकी जेब वगैरह चेक किए तो इसके पास एक PNB बैंक की स्लिप मिली, जिसमें 19,000 रुपये जमा कराने के लिए। तो अभी इसका एक साथी बुलाया और साथ में पुलिस भी आई हुई है, तो इससे पूछताछ कर रहे हैं। कुछ नाम पता सर इनका पता लगता है? ये हरिओम नाम बताता है अपना, उसके बाद ये कुछ बोल नहीं पाता है। तो कुछ लोगों ने अभी इसका साथी बुलाया तो ये बता रहे हैं कि ये कोई चूड़ियों की रेडी लगाता है अभी गेट में, और वहाँ से ये 19,000 रुपये बैंक में जमा कराने के लिए निकला। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये जब उसमें आएगा तभी पता चलेगा। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी हमारे को, शनिदेव के मंदिर के पास कोई आदमी पड़ा। हेलो राम राम। और जी उधर हम के मुताबिक यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ देखे नशे की हालत में है जी, और इसके PNB के कागज जो थे फार्म वो इसमें मिले हैं। सिर्फ मुनीश कुमार नाम लिखा है इसमें, और इसमें अकाउंट नंबर लिखा है, ऐसे कुछ जानकारी नहीं है इसमें। तो सर क्या कुछ जैसा जो कुछ है घर वाले बुलाए इनके साथ में आ गए और इसको इलाज करवा देते हैं। बता रहे जिनके घर वाले आ गए। आपका नाम सर? नाम ये से थैंक यू। हमारे पास एक ड्राइवर आया कि भाई बंदा पड़ा है झाड़ियों में, तो हम 4-5 लोग गए उस टाइम, उस ये डेड बिल्कुल बेहोशी हालत में था, और 5-7 लड़कों ने इसको बाहर निकाला तो ये कुछ होश में आया। ये बता रहा है कि मैं PNB बैंक में 19,000 रुपये जमा कराने के लिए गया था, और यहाँ पे बैठ के एक स्लिप भर रहा था। मेरे पास 2-3 लड़के आए कि हाँ भैया क्या कर रहे हो, कह रहे जी वह पैसे जमा कराने, और उन्होंने मेरे से स्लिप ली और पैसे छीन के भाग गए। उसके बाद ये कुछ बोल नहीं पा रहे। कौन सी जगह पे? ये शनि मंदिर के बिल्कुल पास में है, जनरल एंड एलाइड की बिल्डिंग है, और यहाँ पे ये डेड बिल्कुल बेहोशी की हालत में मिला। आपका नाम? राजेश कुमार। तो आपको कैसे पता लगा इसका? हमारे पास एक ड्राइवर आया, मैं IAB में जॉब करता हूँ यहाँ पे, तो इसने देखा कि ड्राइवर ने कि एक बंदा पड़ा है झाड़ियों में, तो इसने ही हमारे को सूचना दी है, तब जाके इसको बाहर निकाला गया। साथ में फिर हमने 100 नंबर पे JBD बैंक्वेट्स लाए हैं, इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like share and subscribe kare. dhanyawad.